आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। राइटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार यानी चाइना अगले 5 सालों में अपना सोयाबीन का उत्पादन 40% बढ़ाने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2025 तक अपना सोयाबीन का उत्पादन 40% तक बढ़ा सकता है। चीन ऐसा खुद को सोयाबीन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रहा है, जिससे दूसरे देशों और आयात पर उसकी निर्भरता कम हो सके। चीन ने अपना मौजूदा सोयाबीन उत्पादन 16.4 मिलियन टन से बढ़ाकर 23 मिलियन टन करने की योजना बनाई है और 14वें 5-ईयर प्लान के अंतर्गत ऐसा कर रहा है। चीन अपनी ज़रूरत के 85% सोयाबीन के लिए वैश्विक बाजारों पर निर्भर है और कुछ देशों पर सोयाबीन के आयात के लिए ज़्यादा ही निर्भर है। चीन ने 2019 से सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने की ओर कदम उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन 2021 में सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट देखने को मिली। 2021 में चीन में सोयाबीन के उत्पादन में लगभग 16% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वहां पर किसानों ने अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों की ओर रुख किया है, जैसे कि मक्का। चीन के 5-ईयर प्लान के मुताबिक चीन विशेष रूप से सोयाबीन उगाने के लिए जमीन पर खेती करेगा। सोयाबीन और मक्का दोनों की खेती बैलेंस के साथ की जाएंगी, जिससे सोयाबीन की उपज ज़्यादा ली जा सके और सोयाबीन का उत्पादन बढ़ सके। चीन सिर्फ सोयाबीन ही नहीं बल्कि अन्य तिलहनी फसलों के उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है, जैसे कि सरसों और मूंगफली। ऐसा करने से चीन अपनी खाद्य तेलों की डिमांड को भी पूरा करने में आगे बढ़ेगा और प्रोटीन के लिए खल की डिमांड भी पूरी हो सकेगी। ऐसा करने से चीन में सरसों के उत्पादन में लगभग 29% की बढ़ोतरी हो सकती है और उत्पादन 18 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जबकि मूंगफली का उत्पादन 17.99 मिलियन टन से बढ़कर 19 मिलियन टन हो सकता है। 2025 तक चीन 215 मिलियन टन चावल, 140 मिलियन टन गेहूं और 277.5 मिलियन टन मक्के का उत्पादन कर सकता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।